सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस घंटे को दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेद में आप लोग स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेकर वेदनाथ सोथदारी लव के फायदे के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसका क्या क्या फायदे हैं और इसका क्या MRP है और इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में पूरा रिव्यू करेंगे दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेद को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बताएंगे दोस्तों सोथारी लौ के फायदे के बारे में, इस वीडियो को सोथारी लौ के फायदे के बारे में। तो इसे क्या क्या चीज़ मिलाकर बनाया गया दोस्तों, तो पहले बात करें दोस्तों सोथारी लौ में क्या क्या चीज़ मिलाकर बनाया गया। जैसे आपका सोट मिलाया है दोस्तों, पीपल इसे मिलाया हुआ है, आपका मिर्च मिलाया हुआ है, आपका जवा खार मिलाया हुआ है दोस्तों, लौ भस्म मिलाया हुआ है, इन सभी चीज़ों मिलाकर इसे लौ बनाया गया है दोस्तों सुतारी लौ। इसका फायदे भी बहुत है दोस्तों, जैसे किसी भी प्रकार का सूजन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाथ पैर का सूजन में भी इसे लिया जाता है दोस्तों, जैसे हाथी पाँव में भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका हाथ का सूजन हो गया, पैरों का सूजन हो गया, घुटनों का सूजन हो गया, इन सभी परिस्थितियों में इसे लाभ होता है और अच्छा भी होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर बताया जाए दोस्तों तो शरीर में किसी भी अंग में सूजन हो, किसी भी प्रकार का सूजन हो, तो इसे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और इसका MRP के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका MRP आपका 120 रुपये इसका MRP है दोस्तों, जो वेदनाथ कंपनी का है। इसे कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वेदनाथ, डाबर और भी कंपनी इसे बनाती है, आप कोई भी कंपनी का लेकर यूज कर सकते हैं। तो बताएं दोस्तों ये जैसे पांडु रोग जो होता है दोस्तों, पांडु रोग जैसे जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस में भी ये आपका जैसे कमजोरी वमजोरी के कारण है या जॉन्डिस में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉन्डिस में भी इसे लिया जा सकता है। जैसे युक्त तो आपका लीवर में भी सूजन जो प्रॉब्लम है उसे भी इसे ठीक हो जाता है। तो जैसे होमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी भी शरीर में सूजन आ जाता है, तो इससे भी इसे लेने पर लाभ मिलता है। शरीर में भी सूजन होने पर जैसे खून की कमी से अगर शरीर में सूजन हो गया दोस्तों तो इसे सोथारी लौ के लेने से लाभ होता है। और कुल मिलाकर बताएं दोस्तों हर तरह के सूजन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा भी अच्छा होगा दोस्तों। हमारा वीडियो अब लास्ट दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल पीके आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब